हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आए हैं लोहिया पार्क और ये देखिए, ये है लोहिया पार्क, कंकड़बाग पटना का नज़ारा। और अभी हम लोग चलेंगे झूला झूलने के लिए और अपने बचपन को याद करने का कोशिश करेंगे। और ये देखिए, यही दो महाशय हैं जो हमारे साथ आपको दिखेंगे। तो हम लोग लोग आज हम लोग पूरी तरीके से बचपन में घुस चुके हैं और ये हैं शिवम राज, जो कि इनको अपना बचपन याद आ गया। आज शायद बचपन में भी ये इसी तरह के झूला पे झूला करते थे और आज ये इस उम्र में भी झूला का आनंद ले रहे हैं, एक बच्चे बन गए हैं। हाँ, तो गाइस शायद आपको भी अपना बचपना याद आ गया होगा कि कैसे आप भी बचपन में झूला तो झूले ही होंगे। और एक देखिए, ये हमारे महाशय भी है वाइट कट वाले ये तो पूरी तरीके से बच्चे ही बन गए हैं। हाँ, तो गाइस बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। हाँ, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। कभी कभी एंजॉय भी कीजिएगा, कभी कभी एंजॉय भी कीजिएगा बच्चे बनकर। और बचपन कभी खत्म नहीं होता क्योंकि आप किसी भी उम्र में रहें लेकिन बचपना आपके अंदर होता है। बस अगर बचपन को सिर्फ याद करना होता है, हाँ, और बच्चे बनने की ज़रूरत होती है। जब भी आप अपने बचपन याद करते हैं तो आप एक बच्चे बन जाते हैं। जब भी स्ट्रेस हो तो पार्क में चले जाइए और झूला झूलिए, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और एक बच्चा बनिए। बच्चा बन के देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, अभी अपने आप को ये मत सोचिए कि हम बड़े हो गए हैं, बस सोचिए कि हम बच्चे हैं, भले जैसे रहिए। बस भले आप वो उम्र नहीं ला सकते हैं लेकिन बच्चे तो बन सकते हैं ना। हाँ, वो फीलिंग तो ला सकते हैं ना, वो इंटरटेन तो कर सकते हैं ना। तो वही है गाइस, बाकी और भी अभी मैं बता दूँ, मैं पटना के लोहिया पार्क में हूँ। हाँ, और भी किसी इस तरह का कोई पार्क में जाऊँ या फिर कहीं का कुछ ऐसा इंटरटेन इस तरह की कुछ चीज़ें हों तो मैं ज़रूर फिर ब्लॉग लेकर आऊँगा। हाँ तो पटना में कंकड़बाग में ही ये लोहिया पार्क है। हाँ, अभी ये महाशय जो आप वाइट शर्ट वाले बोल रहे थे कि पटना में बोल रहे हैं, तो पटना में तो बहुत सारे पार्क हैं लेकिन आता तो पटना में है ना। हम लोग सारे पार्क में जाएंगे, ये तो फर्स्ट पार्क है, आगे और ब्लॉग आपको मिलेगी। हाँ, ये तो शुरुआत है। आपको पटना में जितना भी पार्क है, हर पार्क का मैं आपको वहाँ का सीन दिखाऊँगा, वहाँ के जो भी इंटरटेन करने की चीज़ें हैं, झूला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। वहाँ का भी आनंद मैं आपको भी वीडियो के थ्रू लेने का मौका दूँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, मैं फिर से बोल दिया। हाँ, और बच्चे हमेशा बने रहिएगा, बच्चे बने रहने में जो खुशी है, आनंद है, वो बड़े में नहीं है। बिल्कुल। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिएगा हमेशा और इंटरटेन मस्ती मज़े करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बाय बाय, जय।